नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। आज 5 जून है और पूरी दुनिया में इसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से इसे मनाया जाता है। आज हम वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया क्यों जाता है, इसका इतिहास क्या है और भारत में इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। इस साल जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने के पीछे के उद्देश्य क्या हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, पर्यावरण के बिना मानव का अस्तित्व असंभव है। वर्ष 2020 की शुरुआत पर्यावरण संकटों से हुई थी। जैसे आपको पता होगा, जो सवाना और ऑस्ट्रेलिया में बस फायर हुई थी, चक्रवात और बाढ़ आए, उन्होंने पेड़ और बिल्डिंगों को नष्ट कर डाला। इसके साथ ही अफ्रीका और भारत में जो टिड्डे का हमला हुआ, जो लॉकटस अटैक हुआ और जो कोरोना महामारी हुई, ये सभी जो आपदाएं हैं एक रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं कि ह्यूमन हेल्थ जो है और जो प्लैनेट हेल्थ है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ह्यूमन हेल्थ इज लिंक्ड टू द प्लैनेट्स हेल्थ। अब जानेंगे क्या है विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास, हिस्ट्री क्या है इसकी, इसको क्यों मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया था। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इस दौरान स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस वक्त इस आयोजन की थीम ओनली वन अर्थ रखी गई थी, जिसमें करीब 115 देशों ने हिस्सा लिया था। इसी के बाद इसे पूरी दुनिया में मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दुनिया में हर साल मनाए जाने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और 2020 के लिए कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा। 2019 में चीन ने मेजबानी की थी। विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम था वो एयर पॉल्यूशन था और जो 2018 का थीम था वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। ऐसा देखा गया है कोरोना संकट के दौरान प्रकृति का एक नया रूप सामने आया है, जो यह बताता है कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे पर्यावरण को बेहतर बनाकर और सुंदर बनाया जा सकता है। भारत में पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो भारत में 19 नवंबर 1986 में एक विधेयक पारित किया गया था, जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इस विधेयक के तहत हवा, पानी और भूमि की सभी चीजों को पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया था, जबकि इस विधेयक की जो शक्तियां थी वो केंद्र सरकार को दी गई थी। अब जानेंगे हम जो 2020 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 की जो थीम है वो सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी है, मतलब जैव विविधता। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। जो जैव विविधता शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं अन्य वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है। प्रकृति में मानव, अन्य जीव जंतु और वनस्पतियों का संसार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि किसी के भी बाधित होने से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे मानव जीवन पर बुरा असर पड़ता है। अब देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना। प्रकृति बिना मानव जीवन संभव नहीं है, यह हम सबको पता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझें कि हमारे लिए पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, झीलें, जमीन, पहाड़ कितने जरूरी हैं। अब कुछ हम आंकड़ों के बारे में बात करेंगे जो आज की डेट में हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हैं। वन क्षेत्रों को काटकर और उस पे खेती करने के काम में 50% की बढ़ोतरी हुई है। 1970 के बाद लकड़ी के उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है। अब तक 10 लाख ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ एक दशक में ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। 1900 के बाद समुद्र तल के औसत स्तर में 16 से 21 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। 1 अरब लोग अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी के ईंधन पर भरोसा करते हैं। मानवीय गतिविधियों से जो स्थलीय पर्यावरण है, इसमें 75% का बदलाव हुआ है और जो समुद्री पर्यावरण है, इसमें 66% का बदलाव हुआ है। आप भी पर्यावरण के पहरेदार बन सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ था, आप सबको मालूम है, हमको मालूम है कि थोड़े समय के लिए जो इंसानी गतिविधियां हैं वो कम हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ, कुदरत खिलने लगी, हवा साफ हो गई, आसमान नीला हो गया, तारे और चमकदार नजर आने लगे, कई नदियों का जल पहले की तुलना में ज़्यादा स्वच्छ हो गया। हालांकि इन्हीं नदियों पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे इनकी सफाई में, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आता था। और जो आबादी वाले हिस्से हैं उनमें जो वन्य जीव हैं वो घूमने लगे पूरी आज़ादी के साथ, ऐसी तस्वीरें बहुत सी सामने आई हमारे।
तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जितने बदलाव आए हैं ये सिर्फ 2 से 3 महीने में ये बदलाव दिखा है, और हो सकता है कोरोना खत्म होने के बाद एक बार फिर पर्यावरण ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। तो अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण के पहरेदार बनना चाहते हैं, आप पर्यावरण से प्यार करते हैं, तो आपको ये 6 संकल्प लेने चाहिए। पहला जो है वो वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसे बचाएं। एक पौधा लगाने के लिए आप एक बहाना ढूंढ सकते हैं, जैसे कोई बर्थडे पे आप एक पौधा लगा सकते हैं, किसी की एनिवर्सरी है उस पर पौधा लगा सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। तो इससे किसी एक बहाने से आपका एक पौधे से लगाव भी रहेगा और आप एक पर्यावरण में आप अपनी हिस्सेदारी भी दे रहे हैं। दूसरा जो है वो तालाब नदी पोखर को प्रदूषित न करें और जल का दुरुपयोग न करें। तीसरा है बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, पंखा बल्ब यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे बंद करके रखें। कूड़ा कचरा जो है उसे डस्टबिन में फेंकें और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग बंद करें और इसके बदले कागज़ के बने झोले या थैले का उपयोग करें। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। नज़दीकी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो प्रेरित हुए ही होंगे पर्यावरण को लेके। तो पर्यावरण को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर साल कम से कम एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ लगाने को कोई एक बहाना ढूंढें, बर्थडे पे लगाएं, किसी एनिवर्सरी पे लगाएं, किसी भी एक कुछ भी आप एक बहाना ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।